कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत न हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरे से अपने लिए पसंद न हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णतया प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की इच्छाओं को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो इतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर
निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए क्योंकि इसमें आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल अच्छी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के तीन द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त है और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिए जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह बहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा को त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसा समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक पीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुखों को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया है उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। दोस्तों, अगर भागवत गीता के यह विचार आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ओम श्री भगवत।